सभी को नमस्कार। 9th ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 3 पर चल रहे थे। लेसन का नाम है अफवाह। अभी तक हमने लेसन को एक भाग में देखा, आज हम उसका भाग 2 बनाने जा रहे हैं। भाग 2 में हम जानेंगे कि जो नदियां हैं हिमालय की, वो कौन कौन सी। देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी। इन नदियों की क्या विशेषता, हिमालय की नदियों की क्या विशेषताएं हैं और ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। चलिए, 9th ज्योग्राफी लेसन 3, लेसन का नाम है अफवाह, भाग 2। अब तक हमने जाना अफवाह क्या होता है, अफवाह द्रोणी क्या होता है। आज हम जानेंगे नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, 2 वर्गों में, हिमालय की नदियों और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों। आज हम इस भाग में जो जानेंगे, हिमालय की नदियों के बारे में जानेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियां देखिए 3 हैं, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। देखिए, जो सिंधु नदी है उसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में इसकी सहायक नदियां होती हैं जास्कर, नबूरा, श्योखुंजा। सिंधु नदी बलूचिस्तान, गिलगित से बहते हुए अटक के पर्वत से बाहर निकलती हुई सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। उसके बाद ये नदी दक्षिण की तरफ बहती है और अंततः कराची की पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब आदि भागों में बहती है। जो इसकी सहायक नदियां हैं वो है सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम। ठीक है जी, अब हम जानते हैं सिंधु के बाद गंगा नदी तंत्र। देखिए, गंगा जो है हमारे भारत की पूजनीय नदी। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। जो अलकनंदा है वो उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। आप सभी हरिद्वार गए होंगे, आपने स्नान भी किया होगा गंगा जी में। तो जो गंगा नदी है हरिद्वार में पर्वतों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिल जाती हैं। इनमें से प्रमुख है यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है और इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। जो इसकी सहायक नदियां वो है यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। चलिए, अब हम जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों के काफ़ी नज़दीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत से बाहर ही अधिकतर, भारत में तो बहुत कम मात्रा में ये दिखती है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है।
नामचा 12वां शिखर के पास पहुंचकर ये यू आकार का मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल में गार्ज में प्रवेश करती है। देखिए इसे अरुणाचल में दिहांग के नाम से पुकारा जाता है, यमुना नगर को दिबांग, लोहित, केनुगा एवं दूसरी सहायक नदियां मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। देखिए कितनी नदियां इसमें मिलती हैं, दिबांग, लोहित, केनुला और दूसरी सहायक नदियां इसे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियों की विशेषताओं के बारे में। देखिए इनकी विशेषता क्या, सबसे बड़ी विशेषता कि जो नदियां हैं इनमें पूरा के पूरा साल पानी रहता है। क्यों? क्योंकि ये नदियां बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं, इसलिए इनमें पूरे के पूरे 12 महीने पानी रहता है। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं और इनका जल ग्रहण क्षेत्र हजारों सैकड़ों वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अंत में ये जो नदी है जाकर अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदियाँ भारी मात्रा में जल और गाद का अपवाह करती हैं, तो इनकी जो मिट्टी है उससे उत्तरी मैदान बना है जो कि बहुत ही उपजाऊ है। चलिए ये तो इसकी विशेषताएं जान ली, अब हम जानते हैं इसके लाभ क्या। देखिए सबसे पहला लाभ क्या है, उत्तरी मैदानों को उपजाऊ बनाना। हिमालय की नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं और उत्तरी मैदानों में बिछाती हैं। इस प्रकार ये उत्तरी मैदान जो हैं वो उपजाऊ बन जाते हैं। जो इसके दूसरा लाभ है वो है सिंचाई के लिए जल, क्योंकि इन नदियों में पूरा साल पानी होता है। मान लीजिए कभी वर्षा नहीं हुई, कम हुई, तो आप सिंचाई के लिए इसमें से जल ले सकते हैं। नौका वाहन, देखिए दूर दूर तक ये फैली हुई हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए नौका सबसे शॉर्टकट रास्ता है उसमें, तो नदियों में परिवहन की सुविधा प्रदान करती हैं। पेयजल की आपूर्ति, कई नगरों में इनसे पीने वाला पानी उपलब्ध कराया जाता है। बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है। कई स्थानों पर इसमें मछली पालन का काम किया जाता है। अगले भाग में हम प्रायद्वीपीय नदियों, प्रायद्वीप से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, उनके बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।